समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के संबंध में 5 नवंबर को सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश के सभी राज्य और लोकसभा सांसदों की बैठक बुलाई है। इधर सांसदों की बैठक बुलाए जाने के मसले पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सांसदों को अभी तक जानकारी नहीं मिली है कि बैठक का स्वरूप क्या है और क्या एजेंडा है। जब प्रदेश में इतने बड़े आयोजन होते हैं तो सांसदों की कोई पूछ परख नहीं होती है, जब जरूरत पड़ती है तो बुलाते हैं, राज्योत्सव और जैसे कार्यक्रम में भी सांसदों को सम्मान नहीं मिला। वहीं नेता विपक्ष धरमलाल कौशिक ने भी सरकार पर सांसदों के अपमान का आरोप लगाया है और कहा कि इतने बड़े कार्यक्रम में सबको दरकिनार किया गया, ऐसा लगता है कि राज्य का उत्सव नहीं बल्कि कांग्रेस का उत्सव है। बड़ा कार्यक्रम होता है, किसी के कोई पूछ परख नहीं है, आखिर आज ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ रही है? ये तो जिस दिन राज्यबल है उस दिन से विचार करना चाहिए कि मुझे प्रतिपक्ष की आवश्यकता है कि नहीं है। इतने बड़े राज्योत्सव में सबको दरकिनार किया गया है और ऐसा लगता है कि राज्योत्सव वास्तविक में राज्य का उत्सव नहीं है, ये तो कांग्रेस का उत्सव है और जश्न मना रहे हैं तो जश्न मनाने दें, उनको हम बधाई देते हैं। क्या है कि इस एजेंडे पे बुलाए हैं, जब इतने बड़े आयोजन होते हैं राष्ट्रीय स्तर में प्रदेश स्तर में और पूरा प्रदेश सेलिब्रेट कर रहा है, उस दौरान सांसदों को तो कोई न पूछ है न परख है, जब जरूरत पड़ती है तो बुलाते हैं, मगर राज्योत्सव जैसे कार्यक्रम में कहीं सांसदों को सम्मान नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और नेता